नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है सुबह के ताजा तरीन खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जारी करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि की ₹2000 की 13वीं किस्त। बता दें कि पीएम किसान की 13वीं किस्त का पैसा उन किसानों को मिलेगा जिन्होंने अपना ईकेवाईसी पूरा कर लिया है, साथ ही उनके पंजीकरण में कोई गलती ना हो। देश में कोरोना के मामलों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग और सरकार भी अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते H3N2 वायरस को देखते हुए बैठक बुलाई थी। वहीं अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कई राज्यों के साथ आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में मॉक ड्रिल से संबंधित सारी जानकारी साझा की जाएगी। राहुल गांधी की संसदीय समाप्त किए जाने के विरोध में कांग्रेस आज इंदौर में देगी धरना, जहां प्रदेश के सभी कांग्रेसी नेता एकजुट होंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन राजस्थान सरकार के RTH बिल का कर रही है विरोध। प्रस्ताव हुआ पास, जहां आज अपने सदस्यों के काला बिल्ला लगाकर काला दिवस मनाने और राजस्थान के डॉक्टरों के साथ एकजुटता दिखाने को कहा है। इसके साथ ही क्षेत्रीय शाखाओं से RTH अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने का भी आग्रह किया है। हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक, जिसमें उम्मीद जताई जा रही है कि बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। राजस्थान के श्रीगंगानगर स्थित सूरतगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर जन आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर जिला बनाओ अभियान समिति की स्टैंडिंग कमेटी आज अनशन स्थल पर बैठकर महापंचायत करेगा। राजस्थान भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी आज पदभार संभालेंगे, जिसके मद्देनजर आयोजित कार्यक्रम में 10,000 BJP कार्यकर्ताओं के पहुंचने की संभावना है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत दूसरी पर्यावरण और जलवायु अस्थिरता कार्य समूह की बैठक आज गुजरात के गांधीनगर में आयोजित की जाएगी। इस 3 दिवसीय बैठक की मेजबानी जल शक्ति मंत्रालय और पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। उमेश पाल अपहरण मामले में कल शाम गुजरात के साबरमती जेल से अतीक को लेकर UP पुलिस रवाना हो गई है, जिसके कल तक प्रयागराज पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि अतीक ने एनकाउंटर का अंदेशा जताया है। वहीं BJP विधायक ने भी कहा था कि पुलिस की गाड़ी पलट जाए तो क्या होगा। बिहार के बेगूसराय से सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रविवार को राहुल गांधी की अयोग्यता मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मौन रहने को लेकर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार अब विपक्षी खेमे के नेतृत्व करने की बढ़ती संभावना से खुश होंगे। दिल्ली में अब बिजली सब्सिडी पर शुरू हुई सियासत। CM केजरीवाल के आरोप पर LG कार्यालय ने किया पलटवार, कहा गरीबों के नाम पर बिजली कंपनियों को लाभ पहुंचाने और अनुचित वित्तीय सहायता प्रदान करने में रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद आप सरकार उनके पदाधिकारी निराधार झूठे और भ्रामक बयान देने की कोशिश कर रहे हैं। बारिश से पंजाब में नुकसान हुए फसल का CM भगवंत मान ने लिया जायजा, मुआवजा देने का दिया आश्वासन। हरियाणा के रेवाड़ी पुलिस ने चलाया विशेष अभियान, एक रात में 272 जगहों पर दबिश देकर रिकॉर्ड 415 आरोपितों को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड के गांव में तैनात होंगे 30,000 से ज्यादा जल मित्र, हर गांव में 2 युवाओं को मिलेगा प्रशिक्षण। सभी मोदी चोर मामले में अभी राहुल गांधी की परेशानी खत्म नहीं हुई है, जहां सूरत के बाद अब राहुल गांधी को झारखंड की अदालतों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। राहुल गांधी के सभी मोदी चोर वाले बयान को लेकर रांची में प्रदीप मोदी ने मुकदमा दर्ज करा रखा था। आपको बता दें कि प्रदीप मोदी उसी शिवनारायण मोदी के पोते हैं जिन्होंने रांची में कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के लिए भवन खरीद कर खुद के पैसे से दिया था। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 1 घायल है जिसका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा कि 230 विधानसभा सीटों में से 200 सीटों पर हमारी पार्टी जीतेगी। जम्मू कश्मीर में भी राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के विरोध में कांग्रेस का सत्याग्रह जारी है, जहां गुलाम अहमद मीर ने बीजेपी पर लगाए कई आरोप। हिमाचल प्रदेश के ऊना में मां बेटे को बंधक बनाकर चार नकाबपोश लूटपाट करके हुआ फरार, वहीं सीसीटीवी का डीवीआर भी ले गए साथ। समुद्री जागरूकता के लिए नौसेना ने कोलकाता से शुरू की 7,500 किलोमीटर लंबी कार रैली। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। गुजरात से अतीक को लेकर रवाना हुई प्रयागराज पुलिस, सोशल मीडिया पर हुआ हल्ला, गाड़ी पलटेगी। महाराष्ट्र के ठाणे में एक व्यक्ति ने कार चोरी होने के कारण इंश्योरेंस के पैसे का दावा किया था, लेकिन इसको लेकर आयोग ने कहा कि गाड़ी का इस्तेमाल वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए होता था, इसलिए मुआवजा का दावा खारिज किया जाता है। राजस्थान में हॉस्पिटल बंद कर महिला डॉक्टर ने लगाया गोलगप्पे का ठेला। बता दें कि राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल का डॉक्टर कर रहे हैं विरोध। महुआ में गैस रिफिलिंग के दौरान मारुति वैन में लगी आग, लोगों ने भागकर बचाई जान। अवैध तरीके से कार में की जा रही थी एलपीजी गैस की रिफिलिंग। मामला कुलपहार कोतवाली के जैतपुर स्थित क्याने मोहल्ले की है। तो ये थी आज की ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।